नमस्कार मेरे दोस्तों, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल के लड़के सुखबीर बादल ने बेच दी गुरुघर की जमीन। जथेदार साहब ने स्टेज पर खड़े होकर किए बड़े खुलासे। पूरी बात सुनोगे ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और 1-2 करोड़ की नहीं, अरबों खरबों रुपए की जमीन बेच दी, अरबों खरबों रुपए की जमीन। और फिर ये लोग बातें करते हैं ये लोग आपको पूरी बात बताते हैं। और हाँ, जथेदार साहब ने बोला, अगर मेरी बात को सुखबीर बादल झूठी साबित कर देता ना, तो अपना सिर कलम करवाने के लिए तैयार हैं, सिर कलम करवाने के लिए तैयार हैं। बड़े अजीब से खुलासे हुए हैं, सबको पता होना चाहिए इस बात का। और वो कहाँ लग रहे हैं, अपने हाल फिलहाल के मुख्यमंत्री साहब क्यों चाह रहे हैं, वो जो गुरबाणी पर कब्जा कब्जा चाह रहे हैं ना, क्यों चाह रहे हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना, कौन क्या कर रहा है, पंजाब के साथ कैसा खेल हो रहा है, आप पूरे खेल को समझना एक बार। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। आपको एक एक बात सच बताएंगे, वीडियो को शेयर आप लोग करोगे। जथेदार साहब ने स्टेज पर खड़े होकर बोली है एक एक बात कि अरबों खरबों रुपए की जमीन बेच कर अपना घर भर लिया, अपनी पार्टी में पैसा लगा लिया और गुरुघर की जमीन बेच दी। कौन लेगा इसका हिसाब किताब? क्या इसीलिए ये लोग अपनी मनमर्जी का जत्थेदार लगाते हैं, अपनी मनमर्जी का प्रधान लगाते हैं? शायद इसीलिए लगाते होंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनना। और हाँ, भगवंत मान साहब तो कह रहे थे उनके पास कोई टाइम ही नहीं है, पंजाब के लोगों को देने के लिए टाइम नहीं है, और वो तो फिल्मों का प्रमोशन करते फिर रहे हैं। फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए उनके पास टाइम है? सही मायने में भंड को चुन दिया भाई, सही बोलते हैं। बाबा राजा राम सिंह जी झूठ नहीं बोलते थे कि ये भांड है, भांड को चुन लिया है, भांड ऐसा ही करेगा पूरे पंजाब के साथ, सही में भांड है ये। फिल्मों का प्रमोशन करता फिर रहा है। सिद्धू मूसेवाला का पिताजी कितने दिन तक बाहर बैठ के आ गया, विधानसभा के बाहर बैठे रहे, मिलने का समय नहीं। एक मंत्री को भेज दिया कि मुख्यमंत्री साहब के पास समय नहीं। क्या करता, अरबों रुपए के ये लगा सकता है, बैनर लगा सकता है। हाँ, क्या बोल रहा था, गुरबाणी का प्रसारण गुरुद्वारा साहिब के पास जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन जिसके ऊपर गुरबाणी चलती है, स्क्रीन के ऊपर इसकी ऐड चलती है, भगवंत मान की ऐड चलती है। बता देना कोई भी श्री अमृतसर साहब जाता हो ना, गुरुद्वारा साहिब के पार स्क्रीन के ऊपर अगर पंजाब सरकार की ऐड नहीं चल रही हो, भगवंत मान की ऐड नहीं चल रही हो, तो आप कमेंट करके बता देना इस बात को, अगर ऐड नहीं चल रही हो तो। ये झूठ क्यों बोलते हर जगह पे, झूठ बोल बोल के पूरा पंजाब बर्बाद कर दिया इन्होंने। सुखबीर बादल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, सुन लेना एक एक बात को ध्यान से, पूरा सुनना कैसा खेल खेल जाता रहा पंजाब के साथ। आपकी जमीन तो खिसकेगी पैरों के नीचे से। और हाँ, बड़ी बात सूत्रों की तो स्टेज के ऊपर से बोला है, वीडियो दुनिया भर के हैं, स्टेज के ऊपर से बोला साहब का जथेदार साहब ने, अरबों रुपए की जमीन बेचकर अपने राज के फायदे उठाए लिए और अपनी मनमर्जी का जथेदार लगाकर गलत काम किया, इसीलिए मनमर्जी का जथेदार को लिफाफे में पैक होगा, जथेदार का नाम इसलिए आता था ताकि ये गलत काम करें और कोई इनके सामने बोले नहीं, अगर कोई थोड़ा सा मुंह खोल ले तो उसको बदल ही कर दो, यही था ना। साबका जत्थेदार ने बड़े खुलासे किए हैं। साबका जत्थेदार भाई ज्ञानी रणजीत सिंह ने चैलेंज किया है, सुखबीर बादल मेरी बात को गलत साबित कर दे तो मैं अपना सिर कलम करवा लूंगा। गुलकों पर इनका कब्जा, गुरबाणी पर इनका कब्जा, शिरोमणि कमेटी पर इनका कब्जा, हर जगह पर तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है। क्या सुखबीर बादल इस बात को बताएगा? क्या बोल रहे थे, ये मजाक उड़ा रहा था भगवंत मान को, बोल रहा था भगवंत मान कुछ लाख रुपए के प्रोजेक्ट का वो करता, अरे तुमने जो अरबों रुपया खाया वो कहाँ गया, अरबों रुपया खाया है। और उसी ताल के ऊपर भगवंत मान चल रहा है, भगवंत मान भी यही चाहता है कि उसका बस गोलको पर एक बार कैसे भी करके कब्जा हो जाए, सबको गोलको के गुरुघर की गोलको के ऊपर कब्जा चाहिए। कब जगेगा भाई ये पंथ, कब जगेगा, कभी जग सकते हो। और हाँ, आपको बताते हैं अमृतपाल के बारे में, बताया था ना उसने भूख हड़ताल की थी, तो उसके घर पे बात करवा दी एक बार। अब उसके साथ मार कुटाई हुई है वहाँ पे, पता कर लेना, आपको सूत्र चाहिए ना, उसके साथ कुटमार हुई है वहाँ पे डिब्रूगढ़ जेल के अंदर कुटमार की गई है, पता कर लेना आपको, चाहे सूत्रों से पता करना, कैसे भी पता करना, गलत हुआ है वहाँ पे और गलत होने जा रहा है। आपको कुछ भी पता नहीं लगता, कुछ आप तक तो न्यूज़ पहुंचती ही नहीं है, न्यूज़ कहाँ से पहुंचेगी ये बताओ, कहाँ से न्यूज़ पहुंचेगी आपके पास, न्यूज़ को पहुंचने नहीं दिया जाता। कोई अगर हक सच की बात करता है, आप मोहल्ली मोर्चे की बात कर दो, आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा मोहल्ली मोर्चे के बारे में बोलोगे तो। हाँ, कल वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में संगत पहुंची वहाँ पे बड़ी संख्या में, बड़ी खुशी की बात है, जाना चाहिए पूरी संगत को वहाँ पे, जाना चाहिए। सबसे पहले जथेदार भाई ज्ञानी आवारा जगतार सिंह आवारा जी को बाहर लेके आओ,
तभी जाके सुधार होगा, नहीं तो ना इन भांडों ने पूरे पंजाब का कल्याण कर दिया है, कल्याण कर दिया पूरे पंजाब का। इनको गुरुवाणी पर कब्जा चाहिए, गुरु घर के गोलकों के ऊपर कब्जा चाहिए, बस इनको रुपये से मतलब, पैसे से मतलब है, पंजाब की जनता से कोई मतलब नहीं है। भगवंत मान साहब एक बार वो लिस्ट जारी कर दो 29,000 नौकरियों की, पता लग जाए कितने भैये लगा रखे नौकरियों पर, पता लग जाएगा कितने भैये हैं। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि पूरे पंजाब के लोग लगा रखे हैं, नहीं है, पंजाब के लोग का बल तो कोई देखता भी नहीं, कोई नहीं देखता। तो क्या है क्या ये, इसको गोलकों के ऊपर कब्जा चाहिए। गुरुवाणी की जगह तो इसकी ऐड चलती हैं, ऐड चलती हैं गुरु घर के बाहर। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो श्री अमृतसर साहिब जाके, और बाहर चेक कर सकते हो अगर पंजाब सरकार की ऐड उस पर चल रही है या नहीं चल रही है, बता देना। और आप फिल्म का प्रमोशन करने चले गए, ठीक है, अच्छी बात है, पंजाबी फिल्म है, पंजाबी फिल्मों को बढ़ावा देना चाहिए, इस चीज़ से कोई वो नहीं है भाई, ठीक है बढ़ावा दो पंजाबी फिल्मों को, अच्छी बात है, आप प्रमोशन करने गए वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक बार मिल तो लेते सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप से, तो मिल लेते एक बार, या एक बार मोहल्ली मोर्चे में चले जाते। एक साल हो गया, एक साल, और 3 महीने में जो नशा खत्म कर रहे थे उसका 4 गुना बढ़ा दिया तुमने, 4 गुना, क्योंकि एक तो वो है वहाँ पे, वो बनिया बैठा हुआ है, बनिया ने लागू कर दिया, ठीक है आप 2 बोतल लेके मेट्रो में भी सफ़र कर सकते हो, बनिया ने दिल्ली में रूल लागू कर दिया, मतलब इनको नशे का कारोबार भी इनको चाहिए, गुरु घर की गोलके भी इनको चाहिए, इनको गुरबाणी के ऊपर भी कब्जा इनको चाहिए। क्यों भाई, पंजाब का पंथ कहाँ जाएगा, पंथ कब जगेगा ये बताओ, कब जगोगे आप लोग, कब इनसे सवाल जवाब करोगे ये बता देना। और हाँ, कमेंट करके बताना जो सबका जथेदार भाई ज्ञानी रणजीत सिंह ने चैलेंज किया है सुखबीर बादल, उसका क्या जवाब देता है, उसके जवाब का इंतजार रहेगा। अगला बोल रहा है मैं अपना सिर कलम करवा लूँगा, क्या सुखबीर बादल इस बात को बोलेगा, इस बात को बोल के दिखा कि नहीं ये बात झूठ, अगर सच होगी तो मैं अपना सिर कलम करवा लूँगा। रणजीत सिंह साहब का जथेदार भाई ज्ञानी रणजीत सिंह के पास एक एक बात का प्रूफ है, प्रूफ के आधार पर उसने ये बात बोली है, प्रूफ के आधार पर। आंखें खोल लो पंजाब के लोगों को, बहुत बुरा हाल हो लिया है, उससे बुरा हाल यहाँ हरियाणा में भी हो चुका है, आपको पता नहीं होगा हरियाणा में और भी बड़ा खेल शुरू हो गया है, इतना बड़ा खेल जो आज तक नहीं हुआ था हरियाणा के अंदर वो शुरू हो चुका है, किसी की समझ में नहीं आएगा ये खेल कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म होगा। लेकिन उससे पहले बड़ा खेल पंजाब में भी चल रहा है, एक एक बात आपको पहले बता देते हैं। और हाँ, डिब्रूगढ़ से पता करना उसके कितना मारा गया है, अमृतपाल सिंह को कितना, कितनी मार कुटाई की गई है, उसका पता आप डिब्रूगढ़ से करना, डिब्रूगढ़ से पता करना। भूख हड़ताल पर बैठ गया, आए डिप्टी कमिश्नर आए वहाँ पर, उसकी बात करवा दी एक बार डिप्टी साहब ने, घर पे बात करवा दी, उसके बाद फिर मार कुटाई की है, मार कुटाई की है। आंखें खोल लो पंजाब के लोगों, बहुत बुरा होने जा रहा है तुम्हारे युवाओं के साथ, अब होगा यहाँ पे बहुत बड़ा गहन, युवाओं का गहन होगा। अगर इसको बचाना है तो पूरा पंथ एक झंडे के नीचे आ जाओ, निशान साहब के झंडे के नीचे आ जाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक और सच की बात आपको हम बताएंगे, आप एक एक चीज़ का पता कर सकते हो कि हाँ ये बात झूठ निकली। आगे आपको 10 दिन 15 दिन के बाद पता लगता है, फिर कमेंट करते हो कि ये हो गया, फिर वही वीडियो भेजते हो, ऐसे मत किया करो, आपको पहले ही इसलिए बता देते हैं ताकि आप सचेत रहो और जागरूक रहो। अभी चुनाव आने वाले हैं, 2024 के चुनाव आखिरी चुनाव है पूरे देश के लिए, 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है, सोच समझ के चुनना आप लोग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।